देखिए, अभी तक उसके बारे में चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और जो 12वीं क्लास की परीक्षाएं हैं उनको कैंसिल जिस प्रकार से किया गया है, तो अब जैसे हमने और क्लासों का, जैसे मैट्रिक काम कर रहे हैं, इंटरनल असेसमेंट में जिस प्रकार से उनका रिजल्ट घोषित करेंगे, उसी प्रकार से हम प्लस टू का भी रिजल्ट उसी प्रकार से घोषित करेंगे। लेकिन उसमें हमने एक ऑप्शन बच्चों को हम देंगे कि अगर कोई बच्चा पेपर देना चाहता है, उसको लगता है कि इंटरनल असेसमेंट में उसके जो नंबर है वो कम है और उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी और उसके नंबर ज़्यादा आ सकते थे, तो उस बच्चे को मौका देंगे कि वो पेपर दे सकता है, लेकिन जब स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो जाएगी, नियंत्रण में हो जाएगी, तब उसको बच्चे को मौका दे सकेंगे। सर, अगर विभाग में चर्चा हुई तो मतलब किस तरह का फॉर्मूला अपनाया जाए? नहीं, जो मैट्रिक के लिए फार्मूला अपनाया गया ना, वही फार्मूला अपनाया जाएगा और अभी उस पर चर्चा होनी है, अभी हुई नहीं है, चर्चा होनी है अभी, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा कोई परिवर्तन करना होगा तो उस पर विचार कर लेंगे, लेकिन नहीं तो जो मैट्रिक के लिए नियम अपनाए वही। सर, मैट्रिक के लिए क्या, जो उसकी परफॉर्मेंस है एक साल की ना, जो उसका उस टाइम की है, उसको ही आधार मान के ना जी, तो उसी के हिसाब से उसको इंटरनल असेसमेंट उसी के हिसाब से मतलब उसको नंबर दिए गए। सर, शिक्षा विभाग की बैठक हुई है, 12वीं की परीक्षाओं का जो मॉडल है वो? देखिए, अभी तक उसके बारे में चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और जो 12वीं क्लास की परीक्षाएं हैं उनको कैंसिल जिस प्रकार से किया गया है, तो अब जैसे हमने और क्लासों का, जैसे मैट्रिक काम कर रहे हैं, इंटरनल असेसमेंट में जिस प्रकार से उनका रिजल्ट घोषित करेंगे, उसी प्रकार से हम प्लस टू का भी रिजल्ट उसी प्रकार से घोषित करेंगे। लेकिन उसमें हमने एक ऑप्शन बच्चों को हम देंगे कि अगर कोई बच्चा पेपर देना चाहता है, उसको लगता है कि इंटरनल असेसमेंट में उसके जो नंबर है वो कम है और उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी और उसके नंबर ज़्यादा आ सकते थे, तो उस बच्चे को मौका देंगे कि वो पेपर दे सकता है, लेकिन जब स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो जाएगी, नियंत्रण में हो जाएगी, तब उसको बच्चे को मौका दे सकेंगे। सर, अगर विभाग में चर्चा हुई तो मतलब किस तरह का फॉर्मूला अपनाया जाए? नहीं, जो मैट्रिक के लिए फार्मूला अपनाया गया ना, वही फार्मूला अपनाया जाएगा और अभी उस पर चर्चा होनी है, अभी हुई नहीं है, चर्चा होनी है अभी, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा कोई परिवर्तन करना होगा तो उस पर विचार कर लेंगे, लेकिन नहीं तो जो मैट्रिक के लिए नियम अपनाए वही। सर, मैट्रिक के लिए क्या, जो उसकी परफॉर्मेंस है एक साल की ना, जो उसका उस टाइम की है, उसको ही आधार मान के ना जी, तो उसी के हिसाब से उसको। नहीं, अभी नहीं, अभी तक देखिए 15 तारीख तक तो मैट्रिक का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही। हाँ, नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं इस टाइम पूरे देश में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका पूरा उसकी समीक्षा करके, उसकी सारी बातचीत करके, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया है, और दो इंटरनल असेसमेंट भी है, ये भी मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल ये एग्जैक्ट है, लेकिन लगभग आसपास ही रहती है, उसके कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि बच्चे की जो उसकी काबिलियत है ना जी, वो तो पूरे साल में की उसका ही अनुमान लगाया जाता है, तो लगभग उसके आसपास ही होती है, वो कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% वही है, कई बार बच्चे की तैयारी करके उससे ज़्यादा भी कर लेता है वो बाद में तैयारी करके, लेकिन लगभग आसपास ही रहती है वो, उससे ही अनुमान लगाया जाएगा। कब तक फार्मूले का जो भी पैटर्न जो तैयार हो जाएगा? नहीं, अभी 1-2-4 दिन में जैसे ही बैठेंगे तो अधिकारी बैठ के बातचीत कर लेंगे उसके बारे में, तो जल्दी उसका निर्णय कर लेंगे। देखिए, जो ये संस्था है, जो इस प्रकार का जो है प्रचार कर रही है या इस प्रकार के उसने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उस सारा विषय विधानसभा में उठा था और उस संस्था की कोई विश्वसनीयता नहीं है और वो एक राजनीतिक दल से जुड़ी भी है, तो इसलिए उसको कोई हम सही नहीं मान सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में उस पर जवाब दे दिया था, लेकिन वो बार बार इस प्रकार का प्रयास करते हैं और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं सुरजेवाला जी, तो वो बार बार उसका हवाला देके बार बार उस प्रकार के बयान देते हैं, लेकिन उसकी कोई सत्यता उसकी खबर में नहीं है। सर, आज वन विभाग की बैठक हुई, कोई खास फैसला? देखिए, एक तो जो डाइवर्सिटी है
उस पर बड़ा प्रयास है, पूरी दुनिया का प्रयास है, देश का भी है, हमारा भी है। पिछले कुछ सालों में इस बात पे तो ध्यान रहा कि ग्रीनरी होनी चाहिए, लेकिन एक गलती होती रही, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा इस बात का, ये वैसे ही होती रही, उसकी तरफ ध्यान नहीं था। तो एक टाइप के प्लांट हमने बहुत ज़्यादा लगा दिए, जैसे सफेदा हमने बहुत ज़्यादा लगा दिया, और दूसरे जो पेड़ थे वो कम लगा दिए। और जैसे जैसे एक चेंज आया, भौतिकता आई, तो किसान ने भी वो पेड़ लगाने शुरू कर दिए जिससे उसको नकद आमदन थी, जैसे सफेदा था, पॉपुलर था, उसने भी उस पर जोर लगा दिया, और विभाग ने भी उसी की तरफ जोर लगा दिया। तो ऐसे बहुत से पेड़ हैं जो बीच में समाप्त हो गए। तो हमने उस पर विचार किया और अब इस पर काफ़ी पूरे देश में इसके बाद इस पर काफ़ी चर्चा रही। तो हमारा एक सोच थी कि भाई इसमें हमने एक तैयारी करनी चाहिए और ज़्यादा जो वैरायटी के हैं उनकी पौध तैयार करनी चाहिए। अब की बार हमारे पास 100 किस्म के पेड़ जो हैं उनकी पौध है हमारे पास, और जो मैक्सिमम प्लांटेशन जो हम करेंगे तो लगभग 2 करोड़ के करीब जो हम प्लांटेशन करेंगे, तो वो सारी की सारी हमारी जो होगी उसमें सफेदा नहीं है, उसमें दूसरी टाइप के ही पेड़ हैं सारे सारे। तो उस पर हमने पूरा प्रयास किया कि वो दूसरी प्रकार के पेड़ जो हैं वो जो समाप्त हो रहे, चाहे वो गुल्लर का पेड़ है, चाहे आप सिरस का पेड़ लगा लो, चाहे आपने देखा होगा कि लसोड़े का पेड़ होता था, केमरी के पेड़ होते, ये सारे सारे आपने रूटीन में देखे पेड़ हैं सब के सब में, तो वो आज आपको दिखाई नहीं देते कहीं भी, ऐसे बहुत से पेड़ हैं। तो ऐसे पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगे उसके लिए हमने एक प्रयास किया, और उसमें हमने कुछ एक निश्चित भी किया जगह। हमारा एक पेवा और कैथल के बीच में काफ़ी बड़ा एक एरिया है, सरस्वती वन कहते हैं उसको, मेरे ख्याल से 10,000 एकड़ के आसपास की जगह है। तो हमने उसको भी चिन्हित किया है, तो उसको हम एक मॉडल के रूप में विकसित करेंगे। ऐसे ही हमारा मेवात में है, तो वहाँ भी हमारे पास एक जगह है, तो वहाँ भी हम विचार कर दें कि वहाँ भी हम इस प्रकार के पेड़ लगाएंगे। और मैंने कहा है कि जो तुम्हारे 4 अलग अलग जो वो हैं, तो पूरे प्रदेश में 4 या 5 जगह ऐसी चुन के हम वहाँ इस प्रकार के पेड़ लगाएंगे। और इस प्रकार के पेड़ से जहाँ पेड़ की विभिन्नता बढ़ेगी ना जी, अलग टाइप से, उसके साथ साथ वहाँ पशु पक्षी की भी बढ़ेगी, क्योंकि उसके बाद फलदार पेड़ भी होंगे दूसरे भी, तो ऐसे पशु पक्षी भी वहाँ ज़्यादा निवास करेंगे, क्योंकि सफेदे के साथ तो कोई किसी का भी मेल नहीं है ना जी, ना तो पक्षी का मेल है, क्योंकि पक्षी अपना घोंसला नहीं बना सकता, और ना ही किसी पशु का मेल है उसके साथ, क्योंकि वहाँ खाने ने भी कुछ नहीं, ना पक्षी के लिए खाने ने कुछ है, ना उसके लिए खाने के लिए। तो ऐसे पेड़ जिससे उनको भी एक आश्रय मिले, तो उस प्रकार की हमारी सोच है। उसके लिए आज एक बैठक रखी थी, हमने उसमें 2 स्थान तो ये फाइनल कर दिए, और उसके बाद देखने के बाद 2 या 3 स्थान और फाइनल करके वहाँ हम इस पर पूरा प्रयास करें। दूसरा हमारा एक था कि जो पेड़ हैं वो काफ़ी पुराने पेड़ हैं, जिसकी वजह से कई बार किसानों की हमारे पास बहुत कंप्लेंट आ रही है कि भी पेड़ कटने चाहिए, क्योंकि बहुत 50-50 साल के पेड़ हैं, और ख़ासकर जहाँ गाँव हैं, गाँव के पास भी पेड़ लगे हैं, तो कई बार जब तेज़ हवा आती है तो पेड़ गिर भी जाता है, कई बार मकान के ऊपर मकान भी तोड़ता है, मेरे पास 2-3 कंप्लेंट आई भी है। तो आज हमने उस पर विचार किया था। पहले मैंने ये कहा था कि जो 20 साल से बड़ा पेड़ है हम उसको काटने की योजना बनाएं, लेकिन एक योजना है कि 1 साल में जो हमारी है वो 4 लाख ही पेड़ हम काट सकते हैं जो बने। तो ऐसे में अगर हम 20 से करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बैठता है, 30 से भी 16 लाख बैठ रहे थे। तो आज हमने एक निर्णय किया, मैंने कहा 40 साल से बड़े जो पेड़ हैं सफेदे के, तो उन्हें काटने की योजना भी बनाएंगे, क्योंकि वो 4 लाख के करीब हैं, तो हम उसके ऊपर ही योजना बना रहे और आगे आगे उसमें प्लांटेशन करना, दूसरा उसकी तैयारी करना, क्योंकि वो बहुत उम्र के पेड़ है, वो उससे किसान भी काफ़ी परेशान है। और दूसरा मैंने ये भी कहा है कि जो भी किसान की साइड के पेड़ हैं, तो जब भी वो कटेंगे तो किसान से बातचीत करके उसकी छूट उसमें रखनी, ताकि उसको उसका शेयर जो है वो, मतलब मारा मानना ये है कि उनको थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए शेयर बजाय सरकार के। तो पहले ये था कि सरकार की चॉइस होती थी, अब सरकार की बजाय हम किसान की चॉइस करेंगे, तो जहाँ भी पेड़ कटेंगे उनकी चॉइस करेंगे। सर, कोई अभी बरसात में कोई अभियान चलाने का प्रोग्राम है पौधारोपण को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार हमने 1100 गांव चुने थे उसके लिए, तो अब की बार हमने 2200 गांव चुने हैं, और हमारा प्रयास है कि अगले साल हम सारा का सारा जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा हम कंप्लीट कर देंगे। और उसमें किसी भी गाँव में जहाँ भी खाली जगह है, चाहे वो कहीं भी है, चाहे वो मंदिर में है, चाहे मस्जिद में है, चाहे गुरुद्वारे में है, चाहे गांव की वैसी ज़मीन है, और चाहे वो शमशान घाट में, जहाँ भी पेड़ लग सकता है हम सारी जगह वहाँ पेड़ लगाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे।
और उसके लिए हमने पिछली बार भी वृक्ष मित्र भी रखे थे, तो अब की बार भी उस प्रकार से उसकी सुरक्षा के लिए काम करेंगे। कितने पौधे का टारगेट रखेंगे? देखिए, अब की बार हम 3 करोड़ से ज़्यादा पेड़ का हमारा टारगेट है लगाने का। उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा हम सीधा सीधा हम लगाएंगे और 1 करोड़ के आसपास हम किसान को उपलब्ध कराएंगे। जो अच्छी वैरायटी के पेड़ हैं, जैसे क्लोन वाला सफेदा है वो कराएंगे उसको उपलब्ध, जैसे पॉपुलर है वो, जो जिससे उसको आमदनी वो उस प्रकार का उसको उपलब्ध कराएंगे, और बाकी सारे जो मैंने आपसे कहा है उस वैरायटी के पेड़ हम लगाएंगे। यानी जन भागीदारी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, जन भागीदारी। जी जी जी।